تتم ترانسلشن. हरे कृष्ण. तब श्री चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु प्रश्न करते थे, अभी वृंदावन में श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी कैसे साधन भजन कर रहे हैं, उनकी भक्ति कैसे चल रही है. कहते उनका भक्ति सुनकर महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते थे. बोले क्यों, कारण कहते महाप्रभु भक्त जब वैराग्य प्रधान जहाँ देखो दुष्ट हम गौर रखना है. कहते महाप्रभु के जितने सारे भक्त हैं ना, वो बड़े दीनहीन रूप में है, कहते बड़े वैराग्य पूर्वक रहते हैं. कहते वैराग्य का दो मतलब होता है, एक मतलब होता है बड़े दीनहीन होकर के साधारण रूप में खा करके साधारण रूप में पहन करके भजन करते थे. इसलिए जब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु को प्रश्न करते हैं, प्रभु आपका मुखार बिंद से मैं डायरेक्ट कुछ उपदेश सुनना चाहता हूँ. महाप्रभु बोले मैंने तेरे को स्वरूपावतार को चरण दे दिया, मेरे से स्वरूपावतार चरण रहता है. बोले तब भी प्रभु आपका मुंह से कुछ बात सुनना चाहता. तो महाप्रभु ने कहा देखो भारत ना खाएगा और मतलब बढ़िया बढ़िया खाना नहीं और बढ़िया बढ़िया पहनना नहीं. बढ़िया बढ़िया खाओगे फिर शरीर में उत्तेजन आएगा, फिर संसार की वासना जगेगी, भोग वासना जगेगा. बढ़िया बढ़िया पहनोगे, बढ़िया बढ़िया पहनोगे फिर तो शीशा के सामने खड़े होकर देखेंगे हम कैसे लग रहे हैं. जो रोड में जाएगी मेरे को कोई देख रही कि मैं आज बढ़िया हमने कपड़ा पहना है, बढ़िया हमने कपड़ा पहना, हम कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है. पर हमारे जो मन है ना, मन भक्ति में नहीं लगते, मन दुनिया में जाएगा. इसलिए बोले भावना खाए और भावना करिए. ग्राम्य कथा ना करोगे ग्राम्य कथा ना सुनोगे, मतलब कृष्ण बहिर्मुख बात को बोलना नहीं और कृष्ण बहिर्मुख बात को सुनना नहीं, वही बात सुनना जिसमें भगवान की बात हो, भगवान की कथा हो, ऐसे बात को बोलना और ऐसे बात को सुननी चाहिए. और ग्राम्य कथा ना बोलिए, ग्राम्य कथा ना करिए, भाल ना खाइए और भाल ना पढ़िए. ब्रजे राधा कृष्ण सेवा, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा और मानस गुरु. 26 घंटा में 26 घंटा कैसे कैसे वो भक्ति करते हैं. जब अपना लिए कोई अपने घर नहीं बनाया, उन्होंने अपना लिए कोई घर नहीं बनाया. बोला अनेक के तो तुमने बने जब तक वृक्ष गण कद जितने वृक्ष थी वृक्ष को नीचे एक 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 के वृक्षों के नीचे एक एक रात्रि की ऊंचाई में रखें. उसमें दो कारण होता है. पहला कारण कहीं मेरी आसक्ति नहीं हो जाए, कहीं मेरी आसक्ति वर्ष नहीं हो जाए. कभी होता ना एक जगह पर रहते 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 इतने आसक्ति हमारी हो जाती है. अगर कहीं बोले भैया अमुक स्थान पर जाओ ठाकुर की सेवा करो, बोले मैं नहीं जाता. ये क्या करते थे, एक एक वृक्षों के नीचे एक एक मेरी साइड करते थे. अब दूसरा कारण है जैसे वृंदावन में कहते वृंदावन में कृष्ण सर्वत्र लीला किया, ऐसे कोई स्थान नहीं जहाँ पर कृष्ण लीला नहीं. अलग अलग जगह पर रहते थे तब कृष्ण की अलग अलग लीला का स्मरण होता था. ओ यहाँ पे कृष्ण खड़े होकर बच्चे ले जाकर थे, कृष्ण यहाँ पर रास लीला किया था, यहीं पर उन्होंने कृष्ण कैया चलाए करते थे, यहीं पर सखाओं को साथ में खेलते थे. जब उन्हें अलग 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 जगह पर जो विश्राम करते हैं उनको लीला स्टाचार्य ठाकुर जी यहीं पर उन्होंने लीला किए थे. इसलिए दैव अरुणा से पालना करते हैं, उल्टा पुलटा रास्ता में